नमस्कार किसान साथियों, आज की 9 अक्टूबर 2024 की दलदा मंडी से अराइवल यानी कि आवक की अपडेट जान लेते हैं कि आज की सुबह की मंडी चलने से पहले कि दलदा मंडी के अंदर आवक किस प्रकार की हमें देखने को मिली है। सबसे पहले अन्य जिन्सों की अगर रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ अवकाश की अपडेट जो कि दलदा मंडी ने अब कंफर्म कर दिया है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई भी अवकाश में कोई भी प्रशासन अगर इसके बाद में बदलाव करेगा तो वो बात की बात है। बाकी अभी तक का जो अवकाश कंफर्मी सूचना जो दलदा मंडी के प्रशासन के द्वारा मिली है वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। बाकी सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन का सीजन चालू, तो अन्य जो सोयाबीन की जो आवक आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा फ्रेशर सोयाबीन के अंदर भी आवकों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ही कहूँ तो रोजाना जो आवक सोयाबीन के अंदर हमें देखने को मिल रही थी वैसी आवक है, यानी कि दोस्तों अब माल छपरे के अंदर नहीं बल्कि फील्ड के अंदर खाली हो रहा है, जो कि गलियाँ हैं उन गलियों के अंदर माल खाली होता आपको सोयाबीन देखने को मिलेगा। बाकी सोयाबीन को छोड़कर अन्य जो भी जैसे गेहूँ सोयाबीन चना ये मान सकते हैं आपकी चने मसूर की अगर बात करता हूँ तो बिल्कुल सामान्य आवक उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। नीलामी कार्य देरी से चलेगा। अगर सोयाबीन को छोड़कर अन्य कोई जिन्स अगर आपके पास में तो आप लेकर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आराम से बिक्री कार्य कंप्लीटेड हो जाएगा। अब बात करता हूँ लहसुन की स्थिति की। दोस्तों आज की जिस प्रकार की स्थिति आप देखी है इस टाइमिंग के अनुसार जो मैं आपको मंडी चलने से पहले की जो आवक की स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, तो जिस शेड में मैं खड़ा हूँ यानी कि दलदा मंडी का मेन शेड जो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर आवक लगभग अभी जो गाड़ियाँ खाली हो रही है इसके अंदर ये छपरा पूरी तरह से फुल हो जाएगा। अब जो माल खाली होगा दोस्तों इसके बाद में, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सी खाली हो रही हैं, किसान मित्रों से निवेदन करूंगा थोड़ा पीछे की अपडेट दीजिएगा। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगा, कुछ मामूली स्पेस आपको जरूर देखने को मिल रहा है बीच में, बाकी ज़्यादा नहीं है। कुछ गाड़ियाँ खाली हो रही थी ये इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तो पूरी तरह से फुल हो जाएगा। अब जो भी कृषक बंधु या कोई रास्ते में हो या फिर कब मंडी के लिए अब पहुंचता हूं तो उसके लिए स्थिति बता दूं दोस्तों कि अब मंडी में जो सेकेंड वाला शेड है उसके अंदर लहसुन खाली होना अब शुरू होगा। आवकों की बात करते हैं दलदा मंडी में तो 2.5 से 3 हज़ार कट्टों की आवक फिलहाल दलदा मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। अब मंडी का गेट खुला है। अब अवकाश की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, आज का दिन दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 का आज का दिन, कल यानी कि लास्ट मंडी चलेगी 10 अक्टूबर को। मंडी का 3 रोज का अवकाश रहेगा, शनिवार रविवार और रविवार और शुक्रवार, 3 रोज शुक्रवार शनिवार और रविवार, यानी कि आप डेट अनुसार अगर देखें तो 11 12 और 13 अक्टूबर को मंडी का अवकाश रहेगा। यानी कि आप ध्यान दें कि मंडी कल ही आखिरी चलेगी, लेकिन इस अवकाश की सूचना से मैं आपको ध्यान देने योग्य बात जरूर बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बाजार अभी मंडी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें आप हड़बड़ाहट ना करें, मंडी में आवकों की बढ़ोतरी आप ना करें। जो आवक मंडी के अंदर चल रही है, मंडी 3-3 दिन के बाद भी मंडी चलेगी, ऐसा नहीं कि मंडी 3 ही दिन में चल रही और इसके बाद में अवकाश है तो मंडी आगे नहीं चलेगी, आगे भी मंडी चलेगी, लेकिन हड़बड़ाहट में मंडी की आवकों में आप इजाफा ना करें। जो मंडी के अंदर आवक देखने को मिली इसे सीमित दायरे में आवके रहने दें ताकि आपको भी जिस प्रकार का बाजार मंडी के अंदर देखने को मिल रहा है आपको भी थोड़ा मजा आए। बाकी जैसा भी आप कार्य करें तब अपने विवेक के हिसाब से कार्य कीजिएगा। 3 हज़ार कट्टों की आवक है, नीचे वाले शेड में माल खाली होना शुरू हुआ नहीं है, अब ये माल पूरी तरह से इसके अंदर भर जाएगा, अब सेकेंड वाले शेड में लहसुन खाली होना शुरू होगा। अवकाश की सूचना मैंने आपको बता दी, कल मंडी लास्ट चलेगी, शुक्रवार शनिवार और रविवार 3 रोज का मंडी का अवकाश है, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन अगर इसके बाद में भी मंडी प्रशासन कोई अवकाश की सूचना में अगर बदलाव करेगा तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से उसकी सूचना देने का प्रयास करूंगा। जय जवान जय किसान।